रुको रुको रुको। चलो नीचे उतरो। चलान देखिए साहब और अपना डंडा उठाइए। तुम पहले नीचे उतरो। भागकर कहाँ जा रहे हैं? तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम शायद इसका अंजाम नहीं जानते। अंजाम की माँ की आंख। अंजाम बता रहा है? गिरफ्तार करो इसे और ट्रक पर कब्जा कर लो। अरे तेरे जैसों की तो मैं चौधरी है हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। कौन हो तुम? लोग मुझे शेख कहते हैं। क्या चाहते हो? सिर्फ इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी का ट्रांसफर ऑर्डर। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कमिश्नर, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। यू ब्लडी बास्टर्ड, आई विल किल यू। हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। पटो। थैंक यू सर। कमबख्त शेख ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है किशन। क्या कह रहे हैं सर? और शर्त रखी है, अगर तुम्हारा तबादला यहां से ना कर दिया गया तो वो लोग मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हर किस नहीं होने दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। अपने आप को छुड़वाने के खातिर
क्यों इस नाजुक बदन को तकलीफ दे रही हो? छोड़ दो मुझे, एक लड़की को सताते हो? याद रखना, मेरे पापा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन कहता है कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा है? उधर तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर भट्टी के ट्रांसफर के ऑर्डर दे दें, इधर हम तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर दे देंगे। शेख, बच्ची को मेरे हवाले कर दो। ए बच्ची, तेरे बच्ची में ऐसे हाथ लगा दूंगा तुम जलकर खाक हो जाओगे। शाबाश बेटे, एक ऑफिसर होने के नाते तुम्हारी इस बहादुरी पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, और एक बाप होने के नाते मेरी और मेरे रुतबे की इज्जत रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। कृष्ण, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। थैंक यू सर, लेकिन मैं अब यहां नहीं रहूंगा। ना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कदर नहीं, वहां रहकर क्या करूंगा। ठीक है, जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। जिस शहर में तुम जा रहे हो ना, उसका नाम मुंबई है, और मुंबई जैसे शहर में तुम्हारी मुलाकात अक्सर गैर कानूनी लोगों से होती रहेगी। माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस बड़ी सी भूल की छोटी सी सजा तो होनी चाहिए ना? अपने संगोचे से मेरे पैर की चप्पलें साफ कर। वाह नेता वाह, नेता का चोला पहनकर देश को नंगा कर रहा है, शर्म कर शर्म कर। तो तू महाभारत का कृष्ण बनके इनकी रक्षा करने आया है? लगता है तूने सिर्फ महाभारत का नाम सुना है, पढ़ा नहीं। आ तुझे आज पढ़ा भी देता हूं। अच्छा, तो तू मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाने आया है? हाँ सुन, जब कौरवों का जुल्म उनके सर चढ़कर बोलने लगा और भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तो कृष्ण ने प्रकट होकर उन दरिंदों का नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना यह देश तुम जैसे मंत्रियों के रहते फिर किसी का गुलाम बन जाएगा। देश
अरे ये देश वो लंगड़ा घोड़ा है जो हम जैसे मंत्रियों के पैरों के सहारे चलता है। हाँ, और तुम जैसे मंत्रियों के पैर घूस के सहारे चलते हैं। तुझ जैसा मंत्री देश को क्या चलाएगा, क्या सहारा देगा? चला जा वरना 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 तो हम तुम्हें बताएंगे नौजवान, देखेंगे कि तुम्हारे खून में कितना उबाल है। एक बात याद रखना मंत्री, मेरे खून के उबाल को मापने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे वरना के साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएंगी, समझे? अरे तू मुझे क्या समझाएगा, समझाऊंगा तो अब मैं तुझे। प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार ये ख्याल देखकर मेरी आंखों में खुशी से आंसू आने लगे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझ जैसे सेवक का भाषण सुनने के लिए आप लोग कहां कहां से आए हैं। यह आप ही के सहयोग का परिणाम है कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। कल हम क्या थे और आज हमने कितनी उन्नति कर ली है, और वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले कल में हमारे देश का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। जटाशंकर पांडे जिंदाबाद, जटाशंकर पांडे जिंदाबाद। आज पानी की समस्या, राशन की समस्या हल हो गई है। कैसे? आप सबके सहयोग से। और सच मानिए तो मैं अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। अगले चुनाव के परिणाम के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना, और मेरे ये गरीब बहन भाई जो झोपड़ों में रहते हैं इनके लिए पक्के मकान बनाना। जटाशंकर पांडे जिंदाबाद। प्यारे बहनों भाइयों, जब भी मैं अपने गरीब बहन भाइयों को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे उनकी यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वाह मंत्री वाह, भाषण देने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे क्यों इन गरीबों को महलों के ख्वाब दिखा रहे हो? क्यों इनके झोपड़ों को जलाकर राख कर देना चाहते हो? गरीब लोगों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक लगाकर कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे तुम इन लोगों को? अरे जिस्म पर लगे घाव तो भर जाते हैं मगर दिलो दिमाग पर लगे खाओ कभी नहीं भरते मंत्री। कब तक इस भोली भाली जनता को अपने जान में फंसाकर इनके रगों में बहते हुए इंकलाब के खून को पानी बनाते रहोगे तुम? भाइयों देखा आपने, लगता है इस गुंडे को विपक्षी दल ने हमारी सभा भंग करने के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर मुखिया देख रहे हो, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। अरे चुनाव से पहले बहुत लूटा है मंत्री तुमने इस भोली भाली जनता को, और इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसी कोई अदालत नहीं जहां तुम्हें खदेड़ कर ला सके और पूछ सके कि क्या हुआ उन वादों का जो तुमने जीतने से पहले इनसे किए थे। ले जाओ ऐसे। अरे मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले मंत्री, तुम्हारी असलियत जानने के बाद ये लोग तुम्हें वैसे ही खदेड़ देंगे जैसे विदेशियों को इस देश से खदेड़ दिया गया था। याद रखना मेरी बात, याद रखना मंत्री, याद रखना मेरी बात, याद रखना। अरे बैठो भाई, विरोधी दल का आदमी आपको भड़का रहा है। मुकेश इसी वक्त चाहिए, बस्ती का गुंडा जिंदा अभी, उठाकर लाओ सारे को। नेताजी,
इन छोटी मोटी बातों के लिए टेंशन मत लिया करो। मुकेश एक बस्ती का ही गुंडा है ना, कोई शहर का डॉन तो नहीं है ना। और फिर कभी बड़ा गेम बजाना हो तो कल्लू बच्चा आपके साथ में, याद रखना। ये छोटे मोटे काम तो मेरे प्यादे लोग ही कर लेते हैं। जब तक तुम उसे हमारे पास घसीट कर नहीं लाओगे, हमें चैन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हो जाएगा, छोटा सा काम है। ओके। हेलो। गरीबों के इनकलाब से बहता हुआ खून पानी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जटाशंकर पांडे के कमीनेपन के जुल्म की जटा से तेरा बहता हुआ खून पानी जरूर हो जाएगा। अरे भाषण देना तो हम जैसे नेताओं का काम है। ये आदमी बहुत अच्छा भाषण देता है, इससे तो नेता होना चाहिए था, लेकिन हायरी किस्मत तू बन गया एक गुंडा, एक सड़क छाप मामूली गुंडा। लेकिन तू चाहे तो हम तेरी तकदीर बदल सकते हैं। तू ऐसा कर, हमारी पार्टी में शामिल हो जा, ऐश करेगा। डर गया ना नेता, मेरा भाषण सुनकर डर गया ना तू? काश आज मैंने दारू नहीं पी होती, ना तेरे ये चार कुत्ते मुझे पकड़ने की हिम्मत करते और ना ही तू मुझे अपनी पार्टी में बुलाने की हिम्मत। अरे मुझ जैसे शेर को पिंजड़े में बंद करके कभी ये मत सोचना कि उसकी ताकत कम हो जाती है, उल्टा उसकी ताकत बढ़कर चार गुना हो जाती है, ताकि वो तुझ जैसे कुत्तों की छाती फाड़कर देश का कल्याण कर सके। अच्छा, तो तू अपने आप को शेर समझता है? हाँ, तू शेर नहीं बल्कि पिटारे का वो काला नाग है जिसकी ताकत और जहर उसकी जबान में है। जब तक ये काली जबान तेरे मुंह में रहेगी, तब तक तू इसी तरह फुनकारता रहेगा। काली! हमें इसकी जबान अच्छी नहीं लग रही। काली बेटे, हम जिसके दोस्त होते हैं उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसने तो सीधी हमसे दुश्मनी मोल ली है। अब ये बेचारा सिर्फ इशारों से बातें करेगा, लोग इस पर तरस खाएंगे और हम कह कह लगाएंगे। ये तो हमारा कहते और कहते में जाएगा। आइए देख ना, गया ना, आइए देख, आइए आइए, किसका आवाज? आइए, ये कलावती क्यों भाग से रहे हैं? पापा, ये क्या हो गया? ये तो देख रहे हैं। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? क्या हुआ कलावती, क्या हुआ? भारती को नेता का लड़का उठा कर ले गया है, साथ में कुछ गुंडे भी थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कहती हो तुम? हाँ हाँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अब भारती को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। पक्या, पक्या, पक्या! छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे,
छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। क्या बाबा, बेटी चुप हो जा, चुप हो जा बेटी, तेरे एहसान में कभी नहीं भूलूंगा। ए चुप हो जा, चुप पगले, इसमें एहसान की क्या बात है? हां बाबू, बाबू, लेकिन पकिया अगर इन जालिमों के जुल्म इसी तरह सर चढ़कर बोलते रहे तो एक न एक दिन पूरी बस्ती नंगी हो जाएगी। लेकिन बाबा, मंत्री जटाशंकर पांडे की ताकत के सामने तो हम बस्ती वालों की कुछ अहमियत ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ दबना जानते हो, लड़ना नहीं, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ एक ही शब्द याद है, बचाओ बचाओ बचाओ। जुल्म तो सह सकते हो लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर में उस कमीने मंत्री के डर की बेड़ियां पड़ चुकी है। अरे उसे मंत्री पद किसने दिया? किसने दिया? तुमने, तुमने, और हां तुमने। अगर हम बस्ती वाले जब उसे मंत्री पद पर बिठा सकते हैं तो उसे मंत्री पद से गिरा भी सकते हैं। और एक बात याद रखना, इस इलेक्शन के बाद जटाशंकर पांडे मंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बल्कि हमारी बस्ती का नेता गुरुपक्ष सिंह बैठेगा। ये क्या कह रहे हो बेटे? ये कोई गरीबों का खेल थोड़ा ही है। आज बड़े बड़े दिग्गज अपराधी चुनावी अखाड़ों में उतर रहे हैं, जिनके पास गलत ढंग से कमाई हुई बेशुमार दौलत है, जिन्हें बड़े बड़े अपराधियों की शय प्राप्त है, जिन्हें समाज और देश की बजाय खुद को सुरक्षित रखने की ज्यादा चिंता है। मेरी क्या औकात कि मैं उनके सामने खड़ा भी हो सकूं। अब सोचने का वक्त नहीं है नेताजी, आज जनता की मांग है। आप जैसा जनसेवक जो जनता को भाई और पिता जैसा स्नेह दे सके, जो इस बस्ती की बिगड़ती हुई हालत पर काबू पा सके, जो हर गैर कानूनी हरकतों को उखाड़ फेंके, और ये सब वही कर सकता है जो स्वयं इस दलदल से बाहर हो।
नेताजी, अगर पांडे जैसा नेता फिर से जीतता है तो अवैध नगरों की ये नगरी और फूलेगी फलेगी, इस बस्ती में आतंक और बढ़ेगा। अब अगर आपने हाना की तो बस्ती की सारी जनता कल से भूख हड़ताल कर बैठेगी। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जनहित मुझे मुझसे ज्यादा है, मैं कर्म और कर्तव्य पहले, अधिकार और फल बाद में। मुझे आप लोगों का यह प्रस्ताव मंजूर है। इतनी छोटी सी बात के लिए और इतनी बड़ी परेशानी, ऐसा क्यों मंत्री जी? ये छोटी बात नहीं है कल्लू बच्चा, बात छोटी नहीं है। उस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा, मैं खून का घोट पीकर रह गया, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। उस हरामजादे पखिया ने इलेक्शन में मेरे खिलाफ उस दो कौड़ी के आदमी गुरबख्श सिंह को खड़ा कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार, पानी सर से ऊपर गुजरता जा रहा है सरकार। चुबे साला, हमेशा मनहूस खबर लेकर आता है। कल्लू बच्चा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा मंत्री जी, सिर्फ हुक्म कीजिए। एक काम करो, तुम उस वकिया को गोली मार दो और उसकी मैयत पर हमारे चुनाव चिन्ह की मोहर लगा दो। वाह मंत्री जी वाह, कहा सोचते हैं आप अपनी जनता के बारे में। बस यू ही समझ लीजिए मंत्री जी, पकिया की जिंदगी धरती पर कुछ ही समय की मेहमान है। ओके। ए छपरी, वो चौहान साहब के दफ्तर में चाय दिया कि नहीं? कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यार, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आइयो लड़की है क्या? आइयो बाबा है। ए लड़की, यहाँ पर रहने की इजाजत दी है, हाथ उठाने की नहीं। अच्छा, जब इन बदतमीजों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तब तुम कहाँ थे? जिस्म को इज्जत के कपड़ों से ढकने के बजाय बेशर्मी का चोला पहनकर आएगी तो क्या ये लोग तेरी आरती उतारेंगे? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखो। ये पहनावा मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। और एक पेशेवर डांसर ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो लोगों को खुशी कैसे होगी? और इससे तो हमें तौबत की रोटी मिलती है। बस बस, पक्या को ज्यादा पका मत, जैसा बोलता हूं वैसा कर, सुखी रहेगी। सुखी? सुख तो तकदीर ने मुझसे उसी दिन छीन लिया था जिस दिन सर से माँ बाप का साया उठ गया था और इस नन्नी मुन्नी शीलू को पेशेवर डांसर बनना पड़ा। अरे मुझ जैसी लड़की को तो कदम कदम पर अपनी इच्छाओं की चिता जलानी पड़ती है। जब से होश संभाला है तब से दुनिया में हमेशा अपने आप को अकेला ही पाया है। इंसान हमेशा अकेला आता है, अकेला ही जाएगा। ये रिश्ते नाते सब यही बनते हैं बेटी। पराया कहकर अपने आप को, हम सब लोगों को शर्मिंदा मत कर। बाबा, आपने मुझे बेटी कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आज से अपने आप को अकेली मत समझना, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अम्मा, हमने जो आपके साथ हरकत की है हम माफी के लायक नहीं जी, फिर भी हमको माफ कर दो जी। तो इस खुशी के मौके पे चाय के जश्न हो जाए। तो फिर इधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा, चाय बोल रहे। अच्छा बाबा, नहीं, अच्छा बाबा मैं चलती हूँ,
मेरा होटल जाने का टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा ओके जी। आयो लड़की है बाबा। मैडम क्या बात है, आज यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रही है। मैडम बात यह है, आज शहर में कुछ दंगा हो गया है इसलिए टैक्सी रिक्शा कुछ कम चल रही है। आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर गणेश चौक तक जाओगी ना, आपको वहाँ से टैक्सी रिक्शा मिल जाएगी। इतनी बारिश में घर छोड़ देता हूं। डॉक्टर ने तुम्हें दो चार दिन आराम करने को कहा है, और दूसरी बात यह भी तुम जान लो, बाहर तुम्हारे तलाश में शहर की सारी पुलिस लगी हुई है। सारे शहर के अखबार के मुताबिक तुम एक अरसे से पुलिस से बचते आ रहे हो। तुम बहुत बड़े अपराधी हो, खूनी हो, बलात्कारी हो, सैकड़ों इल्जाम है तुम्हारे ऊपर। मौत से भी ज्यादा तकलीफ देने वाले हालात में बनकर दुश्मनों ने अपनी दुश्मनी निकाली। अब बाहर की दुनिया में तुम एक पल भी नहीं जी सकते, लेकिन आज के बाद इस काली दुनिया के बादशाह तुम होगे। अब तुम मुकेश नहीं डोंगरा होगे, वैसे ही जैसे तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें दुनिया के सामने पेश किया, खूनी, अपराधी, डोंगरा, 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 डोंगरा। Thank you.
ये ले हवलदार नंबर वन, इंस्पेक्टर कामले के जाने की खुशी में एक हाथ मार ले, ये तंबाकू खाकर तू झूमने लगेगा। वाह! अबे हवलदार देवानंद, इस नए इंस्पेक्टर को भी देख लेना। जो भी यहाँ इंस्पेक्टर आता है पहले तो वो शरीफ रहता है, उसके बाद कामले बन जाता है। अच्छा है? अब वो फतेह सिंह, ओए ख्वाबों की दुनिया वाला फतेह सिंह। अरे देवानंद, क्यों फतेह सिंह के रंग में भंग कर रहा है? अरे वो रियल लाइफ में कांस्टेबल नहीं बन पाया, ख्वाबों में तो उसे इंस्पेक्टर बन जाने दे। नहीं बन पाएगा। ओए बकवास न कर जल मुखड़े, तेरे मुंह पे गरम तवा चिपका दूंगा। जितने मेरे लोहे जैसे हाथ डोंगरे के गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो फिर इस फतेह सिंह को इंस्पेक्टर बनने से कौन नहीं रोक सकता, समझे? ये मेरा ऐलान है डोंगरे के नाम। अरे आहिस्ते बोल, आहिस्ते बोल, कहीं डोंगरे ने सुन लिया ना तो तुझे तेरी पतलून संभालना भारी पड़ जाएगा। देवानंद, इसे पता नहीं है कि गीले कपड़े कितने भारी होते हैं। ओए की होया, आप क्यों रहे? तेरे पीछे छक्के लगे हैं? क्या कहा? अबे ओए, तेरे होते हुए उनकी क्या जरूरत है? ओए तूने मेरे को छक्का कहा? माफ करना फटे हुए सिंधी, अनजाने में मेरी जबान फिसल गई। कोई बात नहीं हवलदार नंबर दो, तेरे मुंह से असली दम निकल गया है। एक बोरिंग खबर सुनिए, कल हम सब की ड्यूटी बंदोबस्त में लग रही है। काहे की बंदोबस्त होए? सुना है फिल्म स्टार जॉनी लीवर का इस दुनिया से बैन बज गया है, उसी के अंतिम संस्कार में हमारी ड्यूटी लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं पूरी जिंदगी जॉनी लीवर को देखने को तरस गया। कल मुझे उसकी मैयत के साथ 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 चलने का मौका मिलेगा, कल का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली होगा। ओए भाग्यशाली चुप कर, ये जॉनी लीवर पिछली बार भी मरा था, वो ड्रामा करता है। पता है उसकी मैयत लेके जा रहे थे, वादी शादी की बारात जा रही थी, बैंड बाजे की आवाज सुनते ही उठ के नाचना शुरू कर दिया। पता है? ठीक है, कल तू जब जाएगा ना तो नाक चूक दबा के देख लेना और बैंड बजवा के देख लेना। अगर मर गया ठीक है, अगर नाचने लग गया सीधे ले आना, टावड़े में डाल दूंगा उसको। ठीक है, समझे? चल। क्या हम आपकी तन्हाई में आ सकते हैं? तुम? हाँ मैं। क्यों आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? अगर इतनी रात गए? और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा गम है जिसकी वजह से भरी भीड़ में तुम अपने आप को अकेला रखना चाहते हो? ऐसा कौन सा दर्द है जिसे तुम्हें इतना पत्थर दिल बना दिया है? क्या सुनना चाहती हो तुम? क्या जानना चाहती हो तुम? यही ना कि बचपन से लेकर जवानी तक जो इंसान इस जिंदा लाश को धोता रहा, अरे वो क्या कहेगा इस समाज को? जब एक बड़ा भाई उसके छोटे भाई को उस वक्त अकेला छोड़ दिया, अरे जब वो ठीक से चल भी नहीं सकता था, और उसके बाद जब वो इस शहर में आया तो यहां की हवाओं से भी उसे डर लगता था, लेकिन आज मेरे पास से गुजरने वाली हवाओं से भी लोगों को डर लगता है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं कि एक बेजान इंसान हूं मैं, जो ताकतवर होने का सिर्फ ढोंग करता है, नाटक करता है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा भी एक हमसफर हो, एक साथी हो जिसे तुम अपना कह सको? क्या कहा? हमसफर, साथी, अपना? हम सफर, साथी, अपना? पक्का की जिंदगी में हम सफर?
हम सफर साथी, हम सफर साथी। पागल हो गई है पक्या की जिंदगी में। हम सफर साथी। पागल हो गई क्या? ऐसी भूल मत करना। बाहर मेरे दुश्मन मुझे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। समझे क्या? ये ले, ये ले चाकू। इसे जल्दी से गरम करके मेरी गोली निकाल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिद मत कर, मेरी बात मान। इससे पहले कि गोली का असर मेरे पूरे जिस्म में फैल जाए, जा जल्दी, ले जल्दी जा। जल्दी ला, जल्दी। देख रहे हो पकिया? देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि आज रात तुम ही ने कहा था कि पकिया तुम्हें एक साथी, एक हमसफर की जरूरत है, जिसे तुम अपना, सिर्फ अपना। शिलू, आज मुझे एक साथी, एक हमसफर की जरूरत है, जिसे मैं अपना कह सकूं। आज से मेरी साथी भी तुम हो, मेरी हमसफर भी तुम हो। सच? कौन है हाकी लेके आ रहा है? मारेगा तो नहीं? पूजा फटे हुए सिंह जी, आप जाकर देखिए ना,
ये चालू गुंडा है कौन? ओए पते सिंह, डर मत, तू इंस्पेक्टर बनने वाला है, हम लोग हैं ना तेरे साथ। डर की क्या बात है? मैं आ रहा हूं, तेरी गाल कर दिया चुप कर, अरे अकेले लेके आ रहा है, और चल मेरे पीछे आ, चलते हैं। तुम डाक है हैं जी, कौन है आप? हॉकी शॉकी लेके घुस गए अंदर, ऐ कोई जिमखाना है, ऐ थाना है, कौन है आप? ओ माफ करना जी, मेरा नाम किशन सिंह भट्टी है। तो फिर मैं फतेह सिंह जी। हिल क्यों रहे हैं आप? पता नहीं जी, माफ कर दो जी। ऐ जी हवलदार देवानंद जी। हाँ जी, और आप फतेह सिंह साहब हैं? साहब जी, आप पहले साहब जी हैं जो मेरा नाम सही तरीके से लिया है जी, वरना इधर जो भी आते हैं मुझे फाड़ने की कोशिश करते हैं जी, फतेह सिंह। फिक्र मत कर फतेह सिंह, तुम जहाँ जहाँ से पढ़ चुके हो ना, तुम्हारी सिलाई करवा देंगे। सुना है बॉम्बे में एक बड़ा अच्छा मोची है, डोंगरा, उससे सिलाई करवा दे। सुना अच्छी सिलाई करता है। मोची सिलाई कहाँ करते हैं जी, वो तो हाँ जी, कोई बात नहीं, हम भी उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे जैसा वो सबके साथ करता है। क्या मुसीबत है, बाहर निकलती पीछे पड़ जाती। आए बसंती, कहा बहुत दिन के बाद देखी, देख तेरा बगैर क्या हाल हो गया मेरा। चल मुए बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, चला है मुझसे इश्क लड़ाने, आना घर पे बजवाऊंगी तुझसे ढोलक, चल दीवाने। दो दो रुपए महकते कैसे, दो दो रुपए लो रे। एक गजरी वाली, एक गजरा तो दे मुझे। गजरा? तू गजरी का क्या करेगी रे? क्या करूंगी, अरे सजाऊंगी उनके लिए अपने आप को, जिनके लिए संभाल कर रखी है ये जवानी। जल्दी देना महकता गजरा। ये ले। एक ही तो मर्द है बस्ती में, पकिया। पकिया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज जी भर कर बातें करूंगी, जी भर कर प्यार करूंगी। ए पकिया। अरे यार, ये मुसीबत कहां से आ गई सुबह सुबह? पकिया डरता है तो इस बस्ती में सिर्फ इस चमेली से, इससे पहले कि ये मेरी इज्जत के पीछे पड़े। भाग ले पकिया, भाग। रुक जा पकिया। अरे भाग मत पकिया। अरे ओ बसंती, अरे जन्म कहां भागी जा रही है रे? ना स्मिति, जब देखो बिल्ली की तरह रास्ता काट कर मेरे और पक्के के बीच में दीवार बन जाती है। अच्छा? जिस दिन मेरे और पक्के के सात फेरे हो गए ना। सात फेरे? वो भी तेरे पकिया के साथ? हाँ, तब दुनिया वाले बोलेंगे वाह क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने, वो पक्के है ना जितना दूर भागेगा उतना ही मेरे करीब आएगा। बाबू, वो देख रहे बसंती आ रही है। वो जा नहीं रही लकड़ू, वो तो आ रही है हमारी तरफ। बसंती क्यों रे माटी मिले, नाम लेकर पुकारता है, भाभी कहते हुए शर्म आती है क्या? पुकारता तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जन्म जले आया है। मद्रासी कालिए, अगर पाकिया को मालूम पड़ा उसी गर्लफ्रेंड को छेड़ा है तो तेरा बस्ती में रहना मुश्किल कर देगा। हाँ। एक बात बता बसंती। क्या है रे? तू क्या पकिया से सचमुच प्यार करती है? हाय, प्यार ही क्या, मैं तो पकिया का हाथ पे ले सकती हूँ। हाँ। अपनी दीदी को छोड़ के दूसरों को छेड़ता है। ओए 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 ओए
अरे बसंती क्यों यार, क्यों रो रही है यार, बता क्या बताऊ, हाय क्या बताऊ दरोगा जी, मैं लुट गई, लुट गई, देखिए मैं बर्बाद हो गई। उन कमीनों ने मुझे कहीं कहीं छोड़ा। मैं पक्की क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरे होने वाले पति को मैं क्या बताऊंगी। ओ यार मेरे को ना बता, किसने तेरी ये हालत की है, एक एक छुट्टी काट दूंगा, और डर मत, तेरे सामने फतेह सिंह खड़ा है, ठीक है, बता मेरे को कितने की है हालत तेरी। क्या बताऊं दरोगा जी, मैं सिनेमा देखने गई थी, रात का शो देख कर मैं लौट रही थी, वही अपना पुराना गाना गुनगुनाते हुए, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, जैसे ही मैं डोंगरी गली से गुजरी कि अचानक वो हो गया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे शोले में बसंती के पीछे घोड़े लगे थे ना। घोड़े? ओए चुप करो, कैंसर के फोड़े, चुप है। उसी तरह मेरे पीछे गुड्डे लगे हुए थे। ठीक है, मेरे को उनके नाम बता। बता नाम, जल्दी बता मेरे को। वही पकिया के आदमी शंकर बाबू इलाहाबादी, माटी मिले का सत्यानाश हो, ऐसे मेरे पीछे लगे, कभी मैं आगे आगे, कभी वो पीछे पीछे, एक पत्थर से मैं टकरा कर गिर पड़ी और वो सब मुझ पर गिर पड़े, और फिर उसके बाद नहीं, मेरे होते हुए तेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो भी फतेह सिंह के इलाके में, पता है मेरे परदादा मुगलों के जमाने में सिपाही थे, हम खानदानी सिपाही हैं, एक एक की छुट्टी काट दूंगा, समझे, ये फतेह सिंह का इलाका है, और मेरे होते हुए किसी अबला नारी की इज्जत लुट नहीं सकती, कभी नहीं लुट सकती। लुट गई दरोगा जी, इज्जत लुट गई, अब कुछ नहीं बचा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं बसंती, मैं बसंती, मेरी बात सुन बसंती। गया ट्राई करा ना। अरे मामू काय को मेरे पीछे पड़ेला यार, मैं छुपता हूँ बापू, मैं छुपता हूँ। ये बसंती क्या टंडी टंडी चाल चलती, इधर आओ ना, हम दोनों मिलकर गरम गरम चाल खेलेंगे जी। चुप, सैया बन गए कुतवाल, अब डर का है का? वो बंदोबस्त करके आई हूँ जन्म जनो, बड़े दीवार बनते थे ना मेरे और पकिया के बीच में, जब करेगी ब्रिज तब आएगा मजा। चलना जा, अरे तुम्हारा मुर्दा उठे, चुप। अरे तुम्हारा क्या नाम हो, ये क्या करा मेरा, आना टंडा करने के लिए, आना गई रे गई, चल यार अपुन खेलते हैं, चल जान छुट्टी बापू। मंत्री जी, मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मंत्री जी। अबे क्या बात है तेरी, फट क्यों रही है आवाज, बैठ बैठ, हाँ बोल क्या बात है। खबर तो हम ऐसी लाया हूँ कि आपकी बंद हो जाएगी बोलती। अबे चुप, क्या बकता है। हम बक नहीं रहा हूँ मंत्री जी, हम सच कह रहा हूँ, हमने अपनी इन दोनों आँखों से पकिया को बस्ती में घूमते हुए देखा है। लेकिन हमने तो उसकी जिंदगी पर मौत का पर्दा गिरा दिया था। मंत्री जी अक्सर नाटकों में ऐसा होता है, पर्दा गिरता है, कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। अबे चुप बे, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है का बच्चा। कलो बच्चा, हम जटा शंकर पांडे बोल रहे हैं। कहिए मंत्री जी। अबे मंत्री गया तेल लेने, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगर इसी तरह पकिया मौत को झांसा देकर घूमता रहा ना, तो एक दिन वो हम सब के रास्ते लगा देगा। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। अबे चुप बे उल्लू के पट्टे। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोला, ऐसे बोल रहा हूं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है नेताजी, और ये आप भी जानते हैं। ये तो रही पते की बात, बस पकिया की दुखती रग को हमें दबाना है। समझ गया। बाबू,
जाओ। बाबू पक्या पक्या मेरे बाबू को जिंदा कर दे मेरे बाबू को पक्या। उन लोगों ने इसे बहन में से मार दिया और मैं कुछ ना कर सकी। वो मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। देख पक्या बाबू हम सबको छोड़कर चला गया। कुछ ना कर सके हम। तुझे मालूम है पक्या बाबू का कातिल कौन है अपने बाबू का कातिल कौन है बाबा? उसका नाम बोल बाबा। वो लोग डोगरा के आदमी है। डोगरा इस शहर का डॉन है। डॉन डोगरा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोगरा डोंगरा भाई सलाम। अपन बोल ले फैक्ट्री में सब इंतजाम हो गए ले। पकी अपन लोगों का कुछ नहीं कर सकता क्या? अच्छा रखता हूँ मैं। टेलीफोन हेलो 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 बोलना जिसका बाप आया था। हाय ए चल रहे भाई ये आदमी वही है जिसने पक्या को हमारे अड्डे का पता बताया था। इसने हमारे साथ गद्दारी की है।
बार सजनी की। अभी जाके पक्के भाई को बताता हूँ, अभी जाके पक्के भाई को बताता हूँ। पक्के भाई ढूंढना बस्ती में घुस आया, बम बंदूक हथियार सब कुछ साथ लेके आया। ये सामान निकालो रे, चल जल्दी। सिर्फ वार्निंग देता हूं, सुधर जाओ तो अच्छी बात है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप कर ताप कर बाहर निकलो, अब आ रहा हूँ। लैंड में खड़े हो, लैंड में खड़े जाओ। हाँ जी, वेरी गुड। अगे ले गड़ी अगे। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। ओए टोपी सीधी कर और शर्ट बराबर कर और पेट अंदर कर, अंदर कर। यस सर। ओए चुप रह, ये थाना है, कोई कोठा नहीं, गाने गा रहे हैं। सॉरी सर। चले। गुड मॉर्निंग फतेह सिंह जी, नमस्ते। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर फतेह सिंह स्पीकिंग। और रेलवे स्टेशन ने पुलिस स्टेशन ने कौन है भाई? नॉनसेंस। ओए हवलदार नंबर दो। यस सर। अभी मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, ठीक है? यस सर। और पहले की तरह मुझे हवलदार समझने की जी नहीं मत कर बैठना, ठीक है? यस सर। मेरे परदादा अकबर बादशाह के जमाने के जेलर थे। यस सर। उनके मिजाज की तरह मेरा मिजाज कोई कम कड़क नहीं है। यस सर। आज तक जो कुछ थाने में होता आया है वो अब नहीं होगा। नो 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 नो, अंडरस्टैंड? यस सर। और टेक माय जूते, इसको पुलिस तरह के लाओ। जूते हवलदार नंबर तीन। ओए जल्दी आओ। यस सर। आ मेरे लिए एक लाठ ठंडा पानी ले आओ। जी। और सुन जी, हवलदार देवानंद को अंदर भेज। यस सर। जल्दी भेज जल्दी। ओ जल्दी आ इधर, मेरे को डोंगरा की फाइल चाहिए। जल्दी। यस सर। डोंगरा, मेरे हाथ से तू बच नहीं सकता, समझे? सर। व्हाट इन नॉनसेंस हैं? और तेरे को पता है मेरे परदादा अकबर बादशाह के जमाने के तेरे थे, उनकी मिसाल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थी। मेरा भी उनसे कोई कम धाक नहीं है, ठीक है जी? उनके लिए हर चीज तस्करी में आती थी, जो भी लाना हो ट्रे में लाओ, ट्रे में जाओ जी। सर पानी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। सर ये रही डोंगरी की फाइल।
डोंगरे, मैं तेरे सारे काले दांदे बंद कर दूंगा और तेरे जितने अड्डे हैं ना उसमें बम लगा के ब्लास्ट कर दूंगा डोंगरे, जोर से मार दूंगा तेरे को डोंगरे। समझ गया। मेरे इंस्पेक्टर बने के खुशी में कितने मेरे लिए तोहफा भेजा होगा। रखो लो, इधर रखो रखो। जय हिंद साहब जी। जय हिंद, क्या बात है। सपनों के सौदागर, खाली सपने ही देखते रहोगे या कुछ कारनामे भी करोगे जो इंस्पेक्टर बन सको? हाँ हाँ जी, नहीं जी। ठीक है, फिर सपनों में ही इंस्पेक्टर बनोगे, असलियत में नहीं बन पाते। क्या मैं सपने में भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता? वो ठीक कह रहे थे चार्ली चोरली। ऑल आर वन टू थ्री, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। साहब ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस बात के? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है साहब जी। ओह, किस्मत वाले हो जो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हो। मैं भी। क्या बात है साहब जी, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ बात याद आ गई थी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? दिमाग से निकल गई लेकिन मन में है। दिमाग से निकल गई लेकिन मन में है, ऐसी कौन सी बात है? क्या है राधा, जब दफ्तर जाने लगता हूँ ना, हाँ हाँ, तो दिमाग तो दफ्तर पहुँच जाता है लेकिन मन मचलने लगता है। मैं सब समझती हूँ। मचलते मचलते मटकने लगते हो आप। तो फिर थोड़ा मटक लेने दो ना। बहुत चालू आप, मटकते मटकते अटकने लगते हो आप, समझे? क्यों, आजकल अटकना अच्छा नहीं लगता? हाँ, आप भूल जाते हो। क्या आप बनने वाले हो? ओह, क्या राजा, तुम्हें देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। बस बस, जरा स्टिक पकड़ना। माय डियर, ही आर शी, हूसोएवर यू आर, वी आर वेटिंग फॉर यू विद ग्रेट हैप्पीनेस। चाहिए ना प्लीज। चल एमल, चेक कर। उस आदमी का नाम क्या था? मैक। हाँ, मैक को उसके मेहनत के कमाई के डब्बे के अंदर पैक करके फौरन वापस भेज दो, क्या समझे? हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। शेख साहब, शेख साहब। कौन हो तुम? मेरा नाम मैक। मैक, ये क्या हुआ तेरे साथ? किसने तुम्हारे ये हालत बनाया? मैं आपका असला लेकर आने वाला था आके, रास्ते में इंस्पेक्टर किशन ने। क्या किया इंस्पेक्टर किशन ने? इंस्पेक्टर किशन ने सारा असला अपने कब्जे में करके मुझे आप तक मैं से छोड़ने के लिए जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारे यार रास्ते पर मोर्चा लगा कर बैठा हूँ, साधारण मोर्चा मत समझना शेख, यह है इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी का अग्नि मोर्चा। शेख तेरे इस दावत का तोहफा जरूर पेश देगा। इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी, हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। Oh!
राधा, राधा, ये क्या हो गया राधा? राधा, मुझे छोड़ के मत जाना राधा, ना ना। मुझे वचन दो, क्या आप इन देशद्रोहियों का नाश कर दोगे? राधा, वैश्यों ने मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान जला दिए राधा। इन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इन्हें, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ करना, आज खुशी के इस दिन पर अपनी कहानी सुनाकर रंग में भंग डाल दिया मैंने। नहीं साहब जी, दुख तो मुझे हो रहा है कि मैंने आपको मिठाई खिलाकर आपके जख्मों को कुरेदा है। मुझे माफ करना साहब जी, मुझे माफ करना। बेटे को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। गुरबख्श सिंह, अगर हम चाहें तो इसे मार भी सकते हैं, और हम चाहें तो बगैर इजाजत इसे हवा तक भी छू नहीं सकती। चाहे तो हम इसे जिता भी सकते हैं। हमारे हाथों में है कि क्या होना चाहिए। क्या चाहिए? कैश 15 लाख, और वो भी अभी इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? अब तो मेरी जीत निश्चित है ना? घबराते बहुत हो नेताजी। देश कैसे चलाओगे? जनता की सेवा में हाजिर होने वाला ऐसा हिम्मती है ही नहीं। डोंगरा मेंढकी बन जाएगा, औकात समझ जाएगा अपनी और हमारी। आ गए डोंगरा के कुत्ते। अयो अम्मा, गड़बड़ा है लगता है, पूछा जाने वाला है रावण आया जी। अयो भगवान मेरे बचना जी, आइए रावण आइयो। हफ्ता दे रे बाबा, तुझे हफ्ता तो क्या, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हफ्ता तो तेरा बाप भी देगा क्या? अपन लोग डोंगरा भाई के आदमी, समझे क्या? अबे तूने मेरे बाबा को मारा? अरे क्यों मारता है तू उसको? ए इलापति, जा जा पकिया को बुला के ला जा। अभी बस लेके आता हूं। साले डोंगरा के आदमी को मार रहा है। पके भाई, स्वयं कब्जा के आदमी शंकर और बाबा को मार रहे हैं। Thank you.
बाबा को मारने आया था। शकील की यह हालत पक्या ने की है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम लिखूं? मुकेश। मैं तुम्हारा और जनता का सेवक जटाशंकर पांडे बोल रहा हूं। डोंगरा अस्पताल में अपने छोटे भाई का इलाज करा रहा है। अगर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाना चाहते हो तो उस लोहे पर फौरन हथौड़ा मारो और उस हरामजादे को गिरफ्तार कर लो। हुआ क्या है? ये डोंगरा पांडे जी, जटा सिंह, फतेह सिंह नहीं। क्या बक रहा है तू? जी, मंत्री जी का फोन था जी, जटाशंकर पांडे जी का। वो कह रहे थे जी, गोमती अस्पताल में डोंगरा अपने भाई का इलाज करवा रहा है जी। इसका मतलब है एक चोर ने दूसरे चोर की मुखबरी की है। हाँ जी। और ऑपरेशन जल तरंग। भाई, वो तो ठीक हो जाएगा भाई, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जिस आदमी ने शकील को जान से मार डाला, यहाँ तक कि बस्ती का हफ्ता बंद करवाया, जिसने हर मोड़ पर अपने से दुश्मनी ली, और जो आदमी डोंगरा नाम से नफरत रखता हो उस आदमी की जान के लिए इतना परेशान, और यहां तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो। आ?
अरे तुम लोग अभी तक स्कूल नहीं गए? चलो अच्छा किया, आज बाजू की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है, धंधा जमकर होएगा। लगान तो नूरी बाई, तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम्हारी करतूतों की ये काली परछाई कदम कदम पर अधेरा बनकर इनके सामने आती है। ये कितना भी लिख ले पढ़ ले समाज में कभी सर उठाकर चल नहीं सकते। अरे जा जा, धंधे के बखत पर मूड मत खराब कर, समझा? चलो अंदर चलो और कपड़े बदली करो और धंधे का मूड बनाओ। हाँ अब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे माँ। तो कहाँ रहेगा? फुटपाथ पर। एक दिन बाहर की दुनिया में गुजार ले तो जानू, सारी जिंदगी इस मास्टर को गालियाँ देता रहेगा। हाँ भूखे मर जाएंगे मगर उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे जिस पर तेरे धंधे की परछाई है माँ। आओ बच्चों। ए मास्टर किधर लेके जा रहे, कोई है? अबे ओए बच्चों को छोड़ दे मास्टर। बुराई जब अच्छाई के रास्ते पे चलने की कोशिश करती है तो बहुत सी कठिनाइयां सामने आती हैं, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों का सामना करते हैं वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटते। ये खून खराबा मत करवाओ नूरी बाई, इन जलील हरकतों से अपने बच्चों के दिलों में नफरत पैदा मत करो। मैं इन बच्चों को पाप की दुनिया से दूर रहना सिखाऊंगा, पापियों से नहीं। और ये बच्चे अपनी मां से नफरत नहीं करते, नूरी बाई से नफरत करते हैं। इन्हें अपनी उजली दुनिया में जीने का मौका दो, इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो नूरी बाई। इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो नूरी बाई, इन्हें जाने दो। जाओ मास्टर, जाओ, चले जाओ। आओ बच्चों। मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाओ, दूर ले जाओ इन्हें मेरी नजरों से। मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाओ, मेरा साया भी इन पर ना पड़ने पाए। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। चलो बेटे क्या सोच रहे हो? बस मास्टर जी आपने हम पर बहुत एहसान किया है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने जो हमें बदनामी के दलदल से निकाल कर उपकार किया है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम दोनों भाइयों को आपने रास्ता तो दिखा दिया मगर आगे की मंजिल हमारी तकदीर तय करेगी। लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ बेटे? मास्टर जी यही तो हमें देख रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। चलो छोटे। नमस्ते मास्टर जी। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भैया, छोटे, जल्दी आओ भैया, भैया, छोटे, जल्दी आओ भैया, भैया, छोटे, भैया, भूल जाए शहर को, भूल जाए शहर की हर चीज को, जल्दी आओ भैया। अब जहाँ ये बस का सफर खत्म होगा वहीं से तेरी जिंदगी का सफर शुरू होगा। फेर लो सारी बिल्डिंग को, चारों तरफ नाकाबंदी कर लो। तुम लोग चलो आगे पोजीशन ले लो। डोंगरा पुलिस ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया है, तुम भाग कर नहीं जा सकते, इसलिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर लगता है तुमने शहर का मुआयना नहीं किया, वरना डोंगरा को ललकारने की हिम्मत नहीं करते। डोंगरा तब तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं आएगा इंस्पेक्टर, जब तक उसका भाई मौत के मुंह से बाहर नहीं आता। इंस्पेक्टर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना वरना इस पूरे हॉस्पिटल को हम शमशान घाट बना देंगे। इन मरीजों की जिंदगी से मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा। ढोंगरा देखता हूं कब तक बुजदिलों की तरह छुपे रहते हो। बाबा भाई 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 भाई, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और वो तुम्हें गिरफ्तार किए बगैर यहां से जाएंगे नहीं।
नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूं। तुम यहां बाबा नहीं बल्कि तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा अपना सगा भाई डोंगरा तुम्हें यहां लेकर आया है। ए, क्या बोला तू? वो दरिंदा, वो अपराधी मेरा भाई? ए, झूठ बोल रहा है तू। वो डोंगरा मेरा भाई नहीं हो सकता। तुम जिसे पापी अपराधी कह रहे हो, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम उस डोंगरा का दूसरा नाम मुकेश है, जिसे हालात ने डोंगरा बना दिया, और उसका जिम्मेदार वही पापी, वही दरिंदा पांडे है। हेलो हेलो मंत्री जी, हम नारद बोल रहा हूँ। नारद, तुम बोलते कहाँ हो, भौंकते हो? कोई मनहूस खबर होगी, भौंको। भौंकने की बात नहीं है, मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज यह है कि यहाँ बस्ती में चारों शांति फैली हुई है और पुलिस का पहरा बहुत सख्त हो गया है। बच्चे, इस फैली हुई शांति से अनजान है तू? हम कुछ समझा नहीं हूँ सरकार। डोंगरा की गिरफ्तारी का फायदा उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा। और वो जो बस्ती के नेता है ना, श्री गुरबख्श, उन्हें भी परलोक भेजने का मौका इससे अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, अब इन हमरे समझ में आ गया। अब तुम कहो और हम ना समझे। अब का चल, अभिन आएगा मजा। हेलो हेलो कमिश्नर हियर। हेलो सर। किशन, कल चीफ मिनिस्टर साहब शहर का दौरा करने वाले हैं सर, और तुम्हारी ड्यूटी उनके साथ साथ लगा दी गई है, और तुम अपनी फोर्स के साथ उनके साथ साथ रहोगे। लेकिन सर, कल तो मैं डोंगरा को अदालत में पेश करने वाला हूँ। हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो, तुम्हारी जगह वहाँ कोई दूसरा चला जाएगा, समझे? Right sir, as you say. क्या हुआ पकिया? अब इंस्पेक्टर किशन सिंह भट्टी, दो भाइयों के बीच दीवार नहीं बनेगा। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम सबूत और गवाहों के बयानात और मुलजिम की बेजुबान हरकत देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम डोंगरा ने ही बलात्कार किया है और खून भी इसी ने ही किया। लिहाजा यह अदालत मुलजिम डोंगरा को मुजरिम करार देते हुए हिंद जेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जानते हो भैया, मैं यहां आपको क्यों लाया हूं? क्योंकि दुनिया में सबसे पवित्र जगह भगवान का घर माना जाता है, और मैं उसी के सामने आपसे यह कहना चाहता हूं कि बचपन से लेकर जवानी तक आपकी यादों को भुला नहीं पाया। और भुलाता भी कैसे? जख्म जब नासूर बन का टीस मारता है ना, तो उसका दर्द सहा नहीं जाता भैया। याद करो दिन जिस दिन आपने मुझे इस पहाड़ जैसी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। समझाने की कोशिश मत करो। अगर आप जैसा इंसान किसी को धोखा दे सकता है, तो इस दुनिया में ना भाई का रिश्ता रहेगा, ना बाप का, ना बेटे का। सुना था, जिस इंसान के माँ बाप नहीं होते, उसके बड़े भाई उसकी परवरिश किया करते हैं, आपकी तरह उसको भटकने के लिए छोड़ नहीं देते। बस बस, आज मैंने एक छोटे भाई होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर दिया। मगर एक बात याद रखना भैया, आज से आपके और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो भैया, सिर्फ आप। नमस्ते नेताजी। अरे नमस्ते नमस्ते बसंती, आओ बैठो। अचानक कैसे आना हुआ? वो दीनदयाल जी नहीं रहे ना?
दीनदयाल जी नहीं रहे? जी। मतलब? मतलब स्वर्ग सिधार गए। परलोक सिधार गए? जी। ये तुमसे किसने कहा कि दीनदयाल जी परलोक सिधार गए? मैं वहीं से आ रही हूँ, मैंने देखा कि वहाँ सब थे लेकिन आप नहीं थे। मैंने सोचा क्यों ना आपको खबर कर दूं, दीनदयाल जी आपके करीबी दोस्त थे। अच्छा किया तुमने बसंती। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। नमस्ते नेताजी। भगवान की इच्छा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। आप धीरे से काम लीजिए, जो होना था वो तो हो चुका। दीनदयाल जी बहुत ही खास मित्र थे मेरे, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। जा रहे थे भागकर। तुमने सोचा होगा काली का कत्ल करके तुम बच निकलोगे। काली का कत्ल? तुमने ये नहीं सोचा इस इलाके का चार्ज किशन सिंह भट्टी ने ले लिया है। अब इन हरकतों का अंजाम क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। रेस्ट टाइम।
होगा ना भैया। ये लो आपकी घंटी बज गई। हेलो, जटाशंकर बोल रहा हूँ। बकिया ने काली को जलाकर मार दिया है। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस हरामजादे पकिया ने मेरे बेटे को जलाकर मार डाला। मंत्री जी, काली भैया, मैं उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर डालूंगा। नेताजी, क्या हुआ मंत्री जी? क्या हुआ नेताजी? मंत्री जी, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, समझदारी से काम लीजिए। जब तक उस छोकरे की लाश नहीं देख लेता, तब तक मेरे बेटे की जलती हुई चिता मेरी आंखों के सामने मंडराती रहेगी। क्या पता चलाओ इस वक्त बकिया कहां मिलेगा? ठहरो, अगर वो छोकरा ना मिले तो उसके बड़े भाई डोंगरा को डालाना, तब बताऊंगा कि जब किसी का बेटा या भाई उसकी नजरों के सामने दम तोड़ता है तब कितनी तकलीफ होती है। आहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन बिना हवा के पत्ते नहीं गिरते, जैसे कि बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही हम भी, समझे ना? तो पहले रोकड़ा फिर काम, ठीक है? तुम्हारा काम हो जाएगा डोंगरा भाई, डील हो गई है। डोंगरा भैया, डोंगरा भैया, डोंगरा भैया, कौन हो तुम? मैं पकिया की। पकिया को पुलिस पकड़ कर ले गई है क्योंकि उसने काली का कत्ल कर दिया है। पकिया को बचा लीजिए भैया, पकिया को बचा लीजिए भैया प्लीज। क्या वे गंगे, चुपचाप जाकर उस गाड़ी में बैठ जा, वरना इस छोकरिया की खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया जाएगा। ए, चले चल, तेरे को बताता हूँ बदलू खर्चा क्या चीज है। ए ड्राइवर, लाभ गाड़ी। अब कहाँ जाएगी बचकर मेरी जान? यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। वेलकम डोंगरा, वेलकम। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि अक्सर हमारे आदमियों से गलती हो जाती है। इस पार्टी में किसी खास मेहमान की कमी महसूस हो रही है, लगता है तुम लोग उसे दावत देना भूल गए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हेलो, हम जटाशंकर बोल रहे हैं। सर आप कहिए। पकिया नाम के जिस मुजरिम को तुमने गिरफ्तार किया है उसे हमारे हवाले कर दो। जी, आपके हवाले? हाँ, क्योंकि वो हमारे बेटे काली का कातिल है।
इसलिए उसे सजा तुम्हारा कानून नहीं बल्कि हम देंगे, और ऐसी सजा देंगे जिसका जिक्र कानून की किसी किताब में नहीं होगा। मंत्री साहब देखिए, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए ना। ड्यूटी? ड्यूटी पर अगर इतना नाज है इंस्पेक्टर, तो अपनी बीवी को जलने से बचा लिया होता। ये तंज मुझे पसंद नहीं मंत्री, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं इंस्पेक्टर। दिल्ली शहर में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ आतंकवादियों को रोकना चाहा और रोक भी लिया। जानते हो उसका नतीजा क्या हुआ? उन आतंकवादियों ने उस बेचारे इंस्पेक्टर की बीवी को जिंदा जलाकर मार दिया, और वो आतंकवादी मेरे ही आदमी थे। तुमने वो पुरानी घिसी पिटी कहावत तो सुनी होगी ना कि सोने पे सुहागा। इस वक्त पकिया की महबूबा और उसका बेजुबान गूंगा भाई मेरे कब्जे में है। मेरी बात मान ले इंस्पेक्टर, वरना उनका भी वही हशर होगा जो तेरी बीवी का हुआ था। जटाशंकर, मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो आदमी मेरे इतने करीब है, मेरा दुश्मन, मेरी बीवी का कातिल। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस दिन मैंने तेरी सिर्फ जबान काटी थी, बहुत बड़ी गलती की। आज मैं तेरे दोनों हाथ काटकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगा। घर जलाकर तमाशा देखने वाले कुत्ते, आज तेरी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगा। अरे
जाएगी मोती जी, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, पीछे चलो। मंत्री जी, ये तो हमारी गाड़ी पे चल गया है। देखो देखो भाई, मंत्री संभल कर बैठा, तो हमारा पीछा कर रहा है। देखो मंत्री जी, गाड़ी के ऊपर चल के। देखो मंत्री जी, आप अंदर अंदर आ जाइए। हम सरेंडर कर रहा हूँ भट्टी साहब, देखिए गोली मत चलाना, हम सरेंडर कर दिया। देखिए टोपिया उठा के, देखिए हम वहां आ रहा हूँ, हम भट्टी साहब के पास जा रहा हूँ। मंत्री जी, हम वहां जा रहा हूँ, भट्टी साहब गोलियां मत चलाना, हम तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम वहां जा रहा हूँ मंत्री जी, हम वहां जा रहा हूँ मंत्री जी। देखिए हम दल बदल रहा हूँ, हम आ रहा हूँ। देखिए मंत्री जी, गोलियां मत चला भट्टी साहब इंस्पेक्टर। देखिए मंत्री जी, अक्सर सत्ता को देख कर मंत्री दल बदल लिया करते हैं, जैसे हमने किया हूँ। देखिए गोलियां मत चला। अरे पक्के भाई, अरे हमारी गर्दन। पापा मैं आ गया। इंस्पेक्टर रुक जा, अगर तूने एक गोली चलाई ना तो इस लड़की के चीथड़ों की बरसात हो जाएगी। रुक जा इंस्पेक्टर, मैंने इस लड़की के गले में मौत बांध रखी है। नहीं रोगा भाई, नहीं नहीं बाबा, बचा लो बाबा, नहीं नो 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 नहीं भैया, नहीं भैया, आंखें खोलो भैया, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। इतने दिनों बाद तो हमारा मिलन हुआ है भैया,